बिना कॉलेज के परिचय पत्र के छात्र नहीं कर सकते मतदान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में कल के चुनाव को लेकर हुई तैयारी। 8 बजे से 1 बजे तक चलेंगे चुनाव। कल होने जा रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज द्वारा सभी तरह की तैयारियां हो चुकी है। प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि कोई भी विद्यार्थी बिना परिचय पत्र के अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए कॉलेज का परिचय पत्र ले जाना अनिवार्य है और जिसके पास कॉलेज का परिचय पत्र नहीं है वह कॉलेज से प्राप्त कर सकता है। चुनाव है तो क्या किस तरह से कॉलेज में तैयारियां चल रही है, क्या है? कल 31 को मतदान दिवस है, सुबह 8 बजे से हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, मेरे पेपर तैयार हो चुके हैं। बाकी आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि जो पोलिंग से रिलेटेड जो मेटेरियल है वो पूरा तैयार किया जा रहा है और करीबन 2-2.5 बजे तक हम पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे अपनी तैयारी। किस तरह से क्या रहेगा छात्रों का आना के पाबंदियाँ क्या है? बॉयज का हमने जावर गेट से एंट्रेंस और एंट्री रखा है और गर्ल्स का हमने सन असलम गेट की तरफ से जो गेट है वहाँ से एंट्रेंस और एंट्री रखा है। अंदर आने के बाद 3 ब्लॉक बनाए हैं हमने, आर्ट्स का, ज्योग्राफी का और साइंस का। इन तीनों की एंट्री बिल्कुल डिफरेंट प्लेसेस से है। आर्ट्स की आर्ट्स चैनल से होगी, ज्योग्राफी की स्टाफ रूम के पास जो चैनल है वहाँ से होगी और साइंस की ज्योग्राफी बॉटनी के बीच जो गेट है वहाँ से। कितने मतदान बूथ हैं हमारे यहाँ पर? हमने टोटल 24 बूथ बनाए हैं और हर एक की एंट्री सेपरेट रखवाई है। क्या है मोबाइल पे? मोबाइल टोटली बैन है, किसी भी तरह से स्टूडेंट मोबाइल अंदर लेके नहीं आ सकता। साथ में अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जरूर आए, उसके बिना उसको मतदान करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कल डायरेक्टेड से स्पेशल ऑर्डर आए हैं कि केवल मतदान आइडेंटिटी कार्ड कॉलेज का उसी से ही कराया जाए। और सर, हाँ, इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो पहले बॉक्सेज हैं उनको हम सुरक्षित तरीके से अपने कलेक्टिव में जो ट्रेजरी है वहाँ पर रखवाए। और ये हम बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि ये जो चुनाव करवा रहे हैं ये विंडो कमेटी के अनुसार ही करवा रहे हैं और छात्रों को हिदायत देते हुए बार बार दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं कि 100 मीटर के दायरे के अंदर वो किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं करे और यदि करते हो पाएगा इमीडिएटली कॉलेज कैंपस से बाहर कर। हाँ मैम, कल छात्र संघ चुनाव है तो किस तरह से आपके कॉलेज की तैयारियां हैं, क्या? कल छात्र संघ चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, सारे 24 जो बूथ्स हैं वो हमारे तैयार हैं और सारी तैयारियां चल रही हैं। किस तरह से छात्रों पर नजर रखी जाएगी? अगर कोई छात्रों पर नजर रखने का जहां तक सवाल है, अभी कल ही आयुक्तालय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि कोई भी छात्र महाविद्यालय के परिचय पत्र के बिना मतदान नहीं कर सकेगा। तो हमारा मुख्य जो अभी एम्फेसिस है वो इस बात पर है कि महाविद्यालय के समस्त नियमित छात्र अपने परिचय पत्र महाविद्यालय के मैनेजमेंट ब्लॉक से प्राप्त कर तैयार है और जो भी छात्र अभी परिचय पत्र प्राप्त नहीं कर रहे हैं वो आकर और यहाँ पर परिचय पत्र प्राप्त करें ताकि वो अपना मतदान दे सके। और कुछ मैम सीसीटीवी कैमरों से भी तैयारियां रखी गई है क्या? सीसीटीवी कैमराज का जो है वो तो अपना रोल है ही, महाविद्यालय में लगे हुए हैं। उसके अलावा भी हम छात्रों को हमेशा ये बात बताते हैं कि छात्र अपने गैजेट्स जैसे मोबाइल हैं वो अंदर प्रयोग नहीं कर सकेंगे, प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे, किसी तरह का मटेरियल प्रचार प्रसार से संबंधित वो अंदर नहीं ला सकेंगे। उसके लिए हमारी जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है, अनुशासन समितियां हैं जो महाविद्यालय के सहायक और सह आचार्य और सारे जो हैं आचार्य वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं इस कार्य को देखने के लिए।
हमने ब्लॉक वाइज एजेंट